Welcome students, welcome once again to our YouTube channel. Hopefully, आप लोगों के अभी तक exams काफी अच्छे गए होंगे। अब जो आपका जो exam बाकी है, जो बहुत important exam बाकी है, वो है mathematics and you have sufficient days to prepare it. But still, जो purpose है इस video का वो ये है कि how to prepare very well, like for 40 out of 40 score. In just 8 to 9 days, that's the basic thing here. और यही discuss हमें करना है, यही आपसे share करना है, the strategy which I am going to suggest you all. I feel if you all will follow it, you will be definitely prepared to score 40 out of 40 marks. Now what you have to do is, देखिए सबसे पहले आप लोग प्रारंभ करें अपनी mathematics की preparation for board examination. आप शुरू करें उसे integration chapter से, chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 की सारी एक्सरसाइजेस 7.7 7.8 ये दो एक्सरसाइज आपको छोड़नी है. तो आई एम हैडिंग हियर एक्सरसाइज नंबर जो आपका है यहां पे 7.7 हियर. ओके तो 7.7 एंड एक्सरसाइज 7.8 ये आपको नहीं अटेम्प्ट करनी है. सो यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दीस एक्सरसाइजेस हियर. बारिंग दीस टू आपको दो दिन, फर्स्ट टू डेज यू शुड बी फिनिशिंग योर इंटीग्रेशन चैप्टर कंप्लीटली. एंड व्हेन आई से फिनिशिंग द चैप्टर कंप्लीटली, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन यू हैव टू फिनिश इट विद अलोंग विद सॉल्वड एग्जांपल्स आल्सो. सारी एक्सरसाइजेस, सारे सॉल्वड एग्जांपल्स अपने हाथ से स्वयं से करके करना है. इट्स नॉट लाइक कि आप पढ़ते चले गए सॉल्व एग्जांपल और कुछ कुछ क्वेश्चन पीछे कर लिए. बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन आप वहां से करने. हाँ, जो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लगे वो आप स्किप कर सकते हैं. लाइक आपने पहला क्वेश्चन किया, दो किए, फिर आपको तीन क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं, आपने उसे जल्दी से किया, थोड़ा सा आंसर टाइप का मैच किया और आगे बढ़ गए. सिमिलर टाइप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, बट हल्का सा भी डिफरेंट लगे आपको करना है, यू टेक टू डेज फॉर इंटीग्रेशन. बट इन्हीं दो दिन में आपको पूरी एनसीईआरटी, पूरा चैप्टर नंबर 7 सॉल्व अलोंग विद सॉल्व अनसॉल्व एंड आल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप पीवाईक्यूज जो है, आप मान लीजिए 7-8 साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में आई हुए इंटीग्रेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट कर लीजिए. तो फर्स्ट टू डेज ओनली फॉर इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये हो गए पहले दो दिन, सफिशिएंट टाइम है, बहुत टाइम है, आप लोगों ने पहले भी करके रखा होगा इंटीग्रेशन. देन जंप टू वेक्टर एंड 3D. आपको लग रहा होगा कि why area like application of integral or differential equation, why not these two chapters, that I will discuss later. फिर आप आइए vector और 3D पे, इनके लिए भी दो दिन रखिए. vector 3D पहले दोनों chapter पूरे आप NCERT से करेंगे and again solved and unsolved questions पूरा आप उसे NCERT से complete करें, सारे solved questions, सारे unsolved questions सब आप उसे करें दो दिन में, and then go to the previous year questions of vector and 3D एक साथ. एक साथ क्यों? क्योंकि यहां पे वेक्टर 3D के जो कांसेप्ट है वो इंटरमिंगलिंग आपको मिलेगी, इंटरमिक्सिंग मिलेगी, खास तौर से 3D वाले में वेक्टर का. तो फिनिश बोथ द चैप्टर्स, फर्स्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड देन फ्रॉम पीवाईक्यूज. ये हो गए आपके चार दिन और तीन चैप्टर हो गए. देन गो टू प्रोबेबिलिटी. एक दिन आपका प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में मीन वेरियंस और बायनोमियल, ये वाले जो बर्नौलीज ट्रायल्स, ये वाले जो टॉपिक हैं, ये आपको स्किप करने हैं. प्राइमरली जो फोकस है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन चार टॉपिक्स पे फोकस रहेगा. इन चार से संबंधित जो आपके एक्सरसाइजेस हैं उन्हें आप कंप्लीट करेंगे और एक दिन में सॉल्व अनसॉल्व एंड अगेन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये होगा आपके पांच दिन. देन यू शुड गो बैक टू चैप्टर नंबर 8 and 9. चैप्टर नंबर 8 में अगेन यू शुड नो दैट एक्सरसाइज 8.2 हैज बीन डिलीटेड फॉर दिस ईयर. तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये वापस से हट गई है, तो 8.2 एक्सरसाइज आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे. तो बची क्या? सिर्फ एक एक्सरसाइज 8.1. हाँ, और मिसलेनियस में भी, मिसलेनियस आपको करना है, लेकिन अब उसमें पॉइंट ये आएगा कि भाई 8.2 कौन सी एक्सरसाइज है? एरिया बाउंडेड बाय टू डिफरेंट कर्व्स. तो दो डिफरेंट कर्व्स से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है मिसलेनियस में वो आप स्किप कर सकते हैं. एक दिन आप रखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड देन फॉलोड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन. तो फिर से ये दो चैप्टर मिला के आप दो दिन ले लीजिए, दो दिन बट अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. कितने दिन हो गए? आपके हो गए 7 दिन. 7 दिन में आपने पूरी एनसीईआरटी सॉल्व अनसॉल्व अच्छे से कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए. नाउ गो फॉर एग्जांपलर. अब आप एग्जांपलर उठाएंगे और फिर आप क्वेश्चंस करना शुरू करें एग्जांपलर से.
आपके पास 13 टू 14 डेज है मैथमेटिक्स के लिए, तो एग्जाम्पलर करिए और उसके बाद फिर आप टाइमर लगा के मॉक, जब आपके 7-8 दिन में प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी तो फिर आप टाइमर लगा के जितने सैंपल पेपर्स कर सकते हैं, जितने मॉक टेस्ट कर सकते हैं, उतने मॉक टेस्ट आप डेली दीजिए, उनको रिव्यू खुद करिए, क्योंकि नॉर्मली आपके पास वो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, और नहीं है तो अपने टीचर से रिव्यू कराइए। मार्क्स नहीं इंपॉर्टेंट है इन मॉक टेस्ट और सैंपल टेस्ट में, इंपॉर्टेंट है कि आर यू एबल टू फिनिश द पेपर विद इन लाइक 1.5 hours और 1 hour 40 minutes। If you are able to do that, and when I'm saying able to finish it, that means by solving all questions there. जितने questions हैं सारे questions आप attempt होने चाहिए। तो सारे questions यदि आप attempt कर पा रहे हैं और time आपके पास 20 से 25 minutes बच रहा है, तो then you are on the safer zone. तब आप safe zone में हैं बच्चों। तो preparation की strategy है, follow it. That my strong suggestion कि आप ये strategy follow करें. Chapter number 7 सबसे पहले, then go to vector theory. Then last chapter probability and then go back to 8 and 9. So that's the strategy. ये तीन specific exercise हमने आपसे बता दिए हैं. You should skip these exercises and then when you are left with time, एक चीज और last में. If you are able to finish within the stipulated time as I told you, तो जो समय बचेगा वो relax नहीं करिएगा. आप जितना momentum बनाते हुए examination hall में जाएंगे उतना आपके लिए useful रहेगा, उतना आप ज्यादा एक्टिव और आपका ब्रेन माइंड उतना ही एक्टिव रहेगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। सो डोंट गेट लेथार्जिक। हो सकता है आपने सही में 7-8 दिन में ये सारा कंप्लीट कर लिया, तो फिर आप लेथार्जिक नहीं होंगे। देन यू टेक अप एनी अदर सोर्स, आप कोई भी किसी भी पब्लिकेशन बुक का सैंपल पेपर्स उठा लें, या आप जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं वो उठा लें किसी भी पब्लिकेशन किसी भी ऑथर का, एंड कीप सॉल्विंग दी क्वेश्चन। बट जो हमने बताया है दैट इज द प्राइमरी थिंग यू हैव टू डू, इतना तो मिनिमम है। बट जितना आप ये भी कर लेंगे जो हमने आपको बताया, तब भी यू बी एश्योर्ड कि आप ऑलमोस्ट 40 out of 40 का स्कोर करने की स्थिति में होंगे, अगर कोई एग्जीक्यूशनल अलर्ट ना हो, अगर आप कोई गलती ना कर बैठे। So that's all from my side as far as session is concerned, and now at last I wish you all the very best of luck, best wishes from our side. Milte hain fir hum log, ek bar aap board exams complete kar le, we will be there to help you out for your JE mains examination also, and then followed by JE advanced, we will be there to help in those examinations also.